आज ही मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजी की और एक सप्लाई आई है जो कि पीएफसी सप्लाई प्लस इसमें जो है डीसी इन्वर्टिंग बूस्टर है। और ये जो सप्लाई है ये इस लाइट का है, इसके अनुसार ये बनाया गया है। जिसका कैपेसिटी यहाँ पर दिखा दें, ये है ऊपर मॉडल नंबर है और नीचे पावर सप्लाई इनपुट 100 to 20 214 वोल्ट AC। और इसका एम्पियर अगर देखेंगे, इनपुट एम्पियर 9.0 एम्पियर है, ये इनपुट का है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 50 से ये 60 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होता है। और जिसका PF यानी पावर फैक्टर 0.95 है। और आउटपुट है इसका +36 वोल्ट और एम्पियर यानी आउटपुट एम्पियर 22.3 एम्पियर यानी 22.3 एम्पियर है इसका आउटपुट। अब देखें यहाँ पे ये PFC प्लस LLC सप्लाई है। यहाँ पे तो ये IC का नंबर शायद रिमूव कर दिया है यहाँ पे, और इसको तभी हम साफ़ किए हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं तो फिर हम दिखाते हैं आपको। इसमें फॉल्ट है, इसकी फ्लिकरिंग होती है लाइट की, यानी ये जो लाइट जलता है इसमें फ्लिकरिंग होता है जब इसका एम्पियर वोल्टेज बढ़ाते हैं। यहाँ पे इसकी कंट्रोलिंग है यहाँ से, ठीक है, ये इसका ब्रांड है। और यहाँ से इसको मैक्सिमम मिनिमम किया जाता है, यहीं से कंट्रोलिंग होती है लाइट की। अब यहाँ पे उस लाइट की जो है कैपेसिटी दी गई है, LED स्टूडियो लाइट, जिसका पावर 700 वाट यानी 700 वाट, इनपुट वोल्टेज AC 100 से 214 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 और 60 हर्ट्स। अभी कलर टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें जो वी माउंट बैटरी लगेगी सोनी टाइप का, तो यहाँ दो बैटरी लगेगी जो कि 14.4 से 14.8 वोल्ट की। एक बैटरी ये हो गई और एक बैटरी ये हो गई। और नीचे लिखा हुआ डोंट यूज 26 वोल्ट बैटरी, यानी यहाँ पे 26 वोल्ट की बैटरी नहीं लगेगी, 26 वोल्ट की बैटरी नहीं लगेगी। यहाँ पे ये 14.4 14.4 दो बैटरियाँ लगेंगी और अंदर सीरीज में जुड़ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से दो सप्लाई प्लस माइनस होगी कंप्लीट हमारा। अगर 15 15 देखें तो यहाँ पे 29 वोल्ट करीब, यहाँ पे 14.4 के हिसाब से 29 वोल्ट यहाँ पे इन होगा प्लस माइनस के रूप में। ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये सप्लाई है जो कि, अब अगर हम कंपेरिजन करें तो एक सप्लाई हमारे पास और है जो कि 48 वोल्ट की है। ये भी PFC प्लस LLC सप्लाई है इसमें, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें एक ही ऑप्टो कपलर यूज किया गया है जो सेकेंडरी से सेंस करने का काम करता है। बाकी यहाँ जो इसकी LLC नेटवर्क डिजाइन की गई है उससे काफ़ी वोल्टेज और एम्पियर को यहाँ पे मैनेज किया गया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्टो कपलर यूज किए गए हैं। जैसे एक नॉर्मल PFC, अगर पहले जो डिजाइन होते थे वहाँ पे तीन तीन ऑप्टो कपलर लगते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें दो है और इसमें यहाँ पे एक है, ये है वाइट कलर का। अब इसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई आ रही है उसमें ऑप्टो कपलर भी लगा आपको नहीं मिलेगा। जो हमने कुछ दिन पहले आपको बताया थे इसके वीडियो के बारे में, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम इसका प्रैक्टिकली कर रहे हैं, फिर जैसा होगा वीडियो बनाएंगे।
देखो इसका यहाँ पर दिया हुआ।